So he was Carol's, and from Indonesia. And I'm back again, and I really enjoyed speaking to this new fan of mine from Indonesia. I don't know whether he was new or old, but he was interesting, and I really loved talking to him. Okay. Aisha Rahman 123, okay. Huma Mahmood 731, how are you? I'm good. Imran Abbas, most glorious 3, Imran, hi, thank you so much. Ashiki 1, please sing Ya Muhammad Noor Mujassam. ओके जी, बिल्कुल मैं सुनाता हूँ. मैं भी बड़ा आजकल नातों वाले मोड में हुआ हूँ, तो यस, वाई नॉट. या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम. ठीक है, एक एक लाइन चलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया जी. सर एक बार खुदा और मोहब्बत का सॉन्ग सुना दो. सैयद समीर, ओके. करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम. करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत. पढ़ूँ आयत कोई सूरत, सनम के नाम का कलमा, वो ईमान है, मोहब्बत है, जुनू है या हकीकत है, मेरा क़िबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा, मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम. करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत. कैसी लगी खुदा और मोहब्बत? यार क्या सीरियल था वैसे, है ना, मेरे दिल से बहुत करीब था. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अभी तक उस सीरियल को भूले नहीं और आप उसको अभी तक इतना प्यार करते हैं. मुसव्विर खुश, ओके जी, बिल्कुल ज़रूर. सहर गुल, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. इमान शाह 21, शीरीन नाम खुदा बसियार मकबूल. युसरा दरिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया युसरा. दीप सी 14, थैंक यू सो मच जी. अच्छा चलें, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लाइव किसी को लेता हूँ, और आप लोगों में से अगर किसी को कुछ गाना है, कुछ पढ़ना है, कोई नाद अच्छी सी पढ़नी है, तो यू मोस्ट वेलकम. आई वुड लव टू लिसन टू माई फैंस एंड माई फॉलोअर्स रिसाइटिंग सम ब्यूटिफुल नाद. तो जनाब क्या ख्याल है? फिर हो जाए एक अच्छी सी नात, एनी सूफी कलाम और एनीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब। Wait, yeah, let me put my phone on silent because these messages are disturbing me. तुम कौन पिया का सॉन्ग, ओके थोड़ी देर में। ये कौन है जी? हाय, ये क्या था भाई, ये क्या था? सिर्फ एक लॉन का प्रिंट नजर आया और उसके बाद दीवार नजर आई और उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। अच्छा जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन जी? फैजिया जी। जी फैजिया फ्रॉम इंडिया। फैजिया फैजिया, आपकी आवाज भी टूट रही है और आपकी वीडियो भी। हाँ हेलो हेलो जी, आपकी आवाज भी खराब हो रही है और आपकी वीडियो भी। मुझे अभी तक आपका नाम समझ में नहीं आया है। मेरा नाम जहरा। जहरा 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 जहरा, कैसी हैं आप? बहुत प्यारा नाम है जी, मेरा फेवरेट तरीन नाम है। हम ठीक है, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जहरा, कैसा जा रहा है आपका रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान अच्छे जा रहे हैं। बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, आपको मेल्स भी किए हैं। अच्छा, कहाँ से जहरा बात कर रही, कौन से शहर से? लखनऊ इंडिया। अच्छा, लखनऊ इंडिया। लखनऊ बड़ा प्यारा शहर है, आप बड़े लकी हैं कि आप इतने कल्चरल शहर में रहती हैं, जहाँ इतनी अभी तक ट्रेडिशंस और सिविलाइजेशंस को और अदब और तहजीब को अभी तक इतना ज्यादा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मुझे लखनऊ में जो मेरा वक्त, हाँ मैं जितना भी मेरा वक्त लखनऊ में गुजरा, मैं कभी जिंदगी में वो भुला नहीं सकता। मुझे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत दफा मैं लखनऊ में ताज में ठहरता था और मैंने एक फिल्म की थी जान निसार, मुजफ्फर अली साहब की, वो लखनऊ में शूट हुई थी और तो हमने बहुत वहाँ टुंडे के कबाब खाए हैं और हमने बहुत वक्त गुजारा है और टुंडे के कबाब इज समथिंग दैट इज यू नो वेरी फेमस एंड जो भी लखनऊ आता है आई थिंक वो कभी मिस नहीं करता उसको। थोड़ी सी मिर्चा ज़्यादा थी लेकिन बहरहाल और बहुत खूबसूरत। हो जो आपका एक बहुत इसके साथ एक बहुत बड़ा सा पार्क है जहाँ वो उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। आपकी एक पॉलिटिशियन थी, अंबेडकर। हाँ, वही ताज के सामने ही है बिल्कुल, जहाँ वो गाना भी शूट हुआ है थोड़ा सा, सुनो ना संगे मरमर। जी जी जी, वो अंबेडकर पार्क है, वो सबसे मतलब बड़ा पार्क है यहाँ का। हाँ, वो कुछ आगरा में शूट हुआ है वो गाना और कुछ वहाँ शूट हुआ है वो। जी तो, कुछ वहाँ शूट हुआ है, कुछ उसके सीन्स हैं। हाँ तो वहाँ बहुत गए और उसके पास ही एक मॉल है ताज होटल से थोड़ा सा अंदर जाके, जो ब्रिज से उतरते हैं। ब्रिज है? नहीं, हाँ ब्रिज है, वो एक इंटरचेंज है। जी, ब्रिज है, ब्रिज। हाँ, उसके पास एक छोटा सा मॉल है, वहां भी मैं गया। और लखनऊ में तो खैर मैंने सारी वो जो बारादरी और वो जो आपकी भूल भुलैया है, बड़ी माँ बारगाह और सारे शाह नजफ वगैरह हर जगह गया। लखनऊ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और बताइए पाकिस्तान के क्या हाल है? पाकिस्तान के हाल बस आजकल तो चलता चलता सब कुछ रुका हुआ है जो चल रहा था वो भी रुका हुआ है। वाकई सब रुका हुआ है। तो आप जरा आप क्या करती हैं पाकिस्तान में? कौन से शहर में? कराची। शायद कराची एग्जैक्टली। अब तो शिफ्ट हो गए, मतलब थे पहले, अब तो वो लोग सब कनाडा, कराची में थे ना, कराची में ही थे। अच्छा, तो जरा आप क्या करती हैं? अच्छा अच्छा, आप क्या कर? हमने अभी MBA कंप्लीट किया है अपना। अच्छा, मास्टर्स तो हो गया है अब। अच्छा, तो आपने मुझे कहाँ मेल किया था, कौन से ईमेल पे आपने मेल किया था? आपका जो इंस्टाग्राम पे मेल आईडी है ना, इमरान अब्बास .contact, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा. हाँ, exactly, वही उसी पे हमने किया था। बट आई नो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए मुश्किल होता है मैनेज कर पाना, रिप्लाई कर पाना। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था समीना जी। जी आई अंडरस्टैंड। हमने आपका इंटरव्यू देखा था। ईमेल आईडी क्या है आपकी? मेरी ईमेल आईडी है फैजिया किदवाई 023@gmail.com। फैजिया, अच्छा, FAIZIA किदवाई, अच्छा, KIDWAI, अच्छा, ठीक है। मैं बिल्कुल आपका सबसे पहले आपका इंटरव्यू देखा था समीना पीरजादा के साथ, एंड दैट वाज जस्ट मतलब ऑसम। मतलब एज अ पर्सन आई स्टार्टेड एडमायरिंग यू, तो वो बहुत ही जबरदस्त था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़ारा। कभी भी आप लाइव होते हैं तो हम जरूर आते हैं कि मे बी इस टाइम पे कॉल कनेक्ट हो जाए। चलिए आज हो ही गई। तो आपकी फैमिली में कौन कौन होता है ज़ारा? आप कितने बहन भाई हैं? आपके पेरेंट्स कहाँ होते हैं, वो क्या करते हैं? जी मेरी फैमिली में मेरी बड़ी बहन है, शी इज मैरिड, और एक छोटा भाई है, और मम्मी पापा दादी। अच्छा, तो बड़ी प्यारी सी फैमिली मुझे लग रहा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सी फैमिली है। बस अल्लाह मियां इसको मुकम्मल ही रखे और आपके पेरेंट्स का साया आपके हमेशा सर पे रहे। बहुत बहुत बड़ी नेमत होती है। मैंने अभी अपने वालिद को खोया है, तो मुझे पता है कि बहुत बहुत ज्यादा वो पूरा लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। लाइफ टाइम के लिए ना बिल्कुल पेस्ट छूट जाता है, कोविड क्रिएट हो जाता है। और आपकी मम्मी कैसी है? मम्मी को भी मेरी ब्रेन हैमरेज हुआ, पापा की। हाँ, मैंने उस दिन सुना। जी हाँ, जी हाँ, तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब आपके प्यारे चले जाते हैं ना, खासतौर पे आपके पेरेंट्स या आपके फादर या मदर में से कोई, अल्लाह ना करे कोई, अगर कभी किसी का कोई जाए, तो आपकी जिंदगी में सारी हर चीज के मानी बदल जाते हैं, डेफिनेशंस चेंज हो जाती हैं, खुशियों की, गम की। फिर आपको बड़ी बड़ी खुशियां जो है ना वो खोखली लगने लगती हैं, और आपको खुशी लगता है कि वही थी जो वक्त हमने उनके साथ गुजारा। आप हर चीज आपको लगता है कि वो जो गुजर गई, अब जो थी ना, जो अच्छी वाली चीजें थी, कि हर खुशी में आप आने वाली खुशी में उनको ढूंढ रहे होते हैं, उनकी कमी महसूस कर रहे होते हैं, तो एक खालीपन रह जाता है। और वो उस तरह आपको लगता ही नहीं कि आप कभी भी वैसा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पहले की तरह कभी भी मुस्कुराऊंगा दिल से। नॉर्मल लाइफ होती है पुराने दिनों की शायद वापस आ जाए। हाँ, मैं अभी भी ख्वाब में पापा को देखता हूँ तो मैं उनको पकड़ के रोना शुरू कर देता हूँ कि पापा आप क्या वाकई आ गए हैं या क्या। तो मुझे वो बहुत ही अजीब सी, अभी तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, इतनी बड़ी चेंज को। बट अरे अल्लाह ताला सब्र देते हैं, अदरवाइज ये बहुत पेनफुल मोमेंट होता है। आई होप आपकी अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज हाँ, बस ज़ारा दुआ कीजिएगा। ये बहुत किसी की भी दुआ पता नहीं होता कि लग जाए, और इंशाल्लाह ताला मैं तो खैर बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो आप कोई अच्छी सी जल्दी से कोई बात कीजिए, फिर हम कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। कुछ अच्छा सा, कुछ कोई कलाम अगर आपको आता है, कुछ आप सुना सकती हैं कोई? अनफॉर्चुनेटली हमें शौक बहुत है, लेकिन मेरी आवाज बहुत खराब है, तो हम यूजुअली नहीं गाते हैं, सुनते हैं। हमें नाते बहुत पसंद है, तो हम सुनते बहुत हैं। अच्छा, इंडिया में कौन कौन सी नाते पॉपुलर है? इंडिया में पॉपुलर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गाई, नूरे क्या आप गा रहे थे, मोहम्मद, हाँ, नूरे मुजस्सम, हाँ, ये है। बाकी एक और है, अरे क्या कहते हैं, किसकी नात है, नाम हमें नहीं याद आ रहा है उसकी। उस टाइम पे उनकी बहुत अच्छा सा उनकी है, ये दुआ मांगता हूँ और करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। हाँ, हाँ जी, वो है। आबिदा खानम की एक है, फासलों को तकल्लुफ है हमसे। अच्छा, आबिदा खानम की नहीं है? हाँ, वो हाँ, आबिदा खानम की वॉइस में हमने सुनी है, वो है। तो ये सारी काफी मतलब मोस्टली सुनी जाती है नाते, जो लोगों को पसंद है। तो अब कैसा वहाँ रमजान का, और क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम, लखनऊ में तो बहुत है मुस्लिम, है ना? बहुत है, लेकिन वो इस टाइम पे कुछ भी कोई भी रौनक नहीं है सच जो रमजान की होती है। हाँ, वो तो कहीं भी नहीं है। वो तो जब मदीना में, हाँ, मक्का में नहीं है, तो फिर यहाँ तो हमारी क्या होगी। हाँ, लेकिन ओवरऑल, हाँ, ओवरऑल जल्दी से जी देखिए क्या रहता है। रिपोर्ट्स रोज आती है डिफरेंट डिफरेंट, कुछ कहा हाँ, नहीं जा सकता। कुछ लोग कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पता नहीं किसकी बात पे यकीन करें किसकी नहीं, क्योंकि बात तो इतना खौफनाक नक्शा खींच रहे हैं आने वाले कल का कि आप दहल जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि हाँ शायद कुछ दिनों बाद सब कुछ एकदम अचानक ठीक हो जाए। तो कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी हैं, कुछ गलत मिथ्स भी हैं, कुछ पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक, अजीब कंफ्यूजन सा मचा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। हाँ कुछ है, बहुत कुछ है कि हाँ कॉन्स्पिरेसी है, ये है वो है, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने क्या है। बस जो भी है खत्म हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है ज़हरा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं आई ट्राई टू, आप मुझे दोबारा से ईमेल कर दीजिएगा तो आई ट्राई टू कनेक्ट टू यू फ्रॉम माय ईमेल। जी जरूर हम करेंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपने घर वालों को सलाम कहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।